रक्षाबंधन के मौके पर सीआरपीएफ जवानों ने दैव दूत बनकर बहनों की रक्षा के लिए बाढ़ के भरे पानी में उतर गए, ताकि किसी भाई की कलाई सूनी न रहे और उसकी बहन उस तक सकुशल पहुंच जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों को राखी बांधने जा रही बहनों के लिए बाढ़ का पानी रोड़ा बन गया। उसके बाद इन जवानों ने बहनों की परेशानी को देखते ही बाढ़ के पानी से भरे पुल में उतर गए और मानव श्रृंखला बनाकर बहनों को नदी पार कराई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान किस तरह से बाढ़ के पानी में लोग को पार कर रहे हैं। दरअसल बस्तर समेत जिले में भारी बारिश से कई नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों का सड़क संपर्क टूटा हुआ है। वहीं सीआरपीएफ के जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों को पुल पार कराया। जवानों ने एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांध दी और फिर उसे पकड़कर खड़े हो गए, ताकि लोग बिना किसी डर के आसानी से रास्ते का अंदाजा लगाकर पुल को पार कर सके। न्यूज इन जवानों को सैल्यूट करता है, जिस तरह से इन जवानों ने अपनी कलाई सूनी रखकर और भाइयों की कलाई सूनी नहीं रहने दी। सुकमा से न्यूज के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।